नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में परशुराम प्राकट्योत्सव का आयोजन किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा में परशुराम प्राकट्य उत्सव के अंतर्गत आयोजन के प्रथम दिवस हुआ भगवान परशुराम का जन्म पंचामृत महाभिषेक। विष्णु वंशावतार भगवान महर्षि परशुराम के प्राकट्योत्सव के दो दिवसीय आयोजन के अंतर्गत प्रथम दिवस पर मंडी रामदास स्थित मोहित भवन हनुमान मंदिर पर परशुराम के प्राचीन अष्टधातु के श्री विग्रह का पंचामृत महाभिषेक पुरु सूक्त व परशुराम स्त्रोत के मध्य मंदिर महंत पंडित शशांक पाठक श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के संस्थापक पंडित अमित भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया। अभिषेक के उपरांत पुष्प सेवा, सुगंध सेवा, वस्त्र अलंकरण के पश्चात हलवा, सत्तू व ककड़ी का भोग लगाकर कर्पूर जन्मारती की। इस अवसर पर पंडित शशांक पाठक ने कहा कि हम मथुरा में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनवाने के लिए संकल्पित है। शीघ्र ही नगर में भव्य परशुराम मंदिर बनाएंगे। पंडित अमित भारद्वाज ने कहा कि परशुराम का प्राकट्य जन कल्याण कार्यों के लिए हुआ। उनको क्षत्रिय विरोधी व क्रोधी कहना मात्र भ्रांति है। उनके जीवन दर्शन में उनके अनेकानेक गुण परिलक्षित होते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से हर्षवर्धन शास्त्री, हरिशंकर शास्त्री, श्याम पंडित, तरुण चोम्बाल, पंडित अर्चन पाठक आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। फोटो परिचय। भगवान परशुराम का पंचामृत अभिषेक करते पंडित शशांक पाठक एवं पंडित अमित भारद्वाज आदि। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। बोला भगवान परशुराम की जय। आज मथुरा में श्री हनुमान मंदिर पर भगवान परशुराम जी का बहुत ही दिव्य रूप से, भव्य रूप से पंचामृत महाभिषेक किया गया और साथ ही यहां पर सभी वर्ग के लोगों ने भगवान परशुराम जी के लिए नमन किया। श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का यहां पर प्राकोत्सव महोत्सव मनाया गया है।